के विद्यार्थियों के लिए है। आज आप लोग को जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है वैल्यू 10, ठीक है, यानी 10 मैथमेटिक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बतलाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना बाबू आपका 2024, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका है कॉपर पाराइड का सूत्र, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है कॉपर पाराइड का सूत्र क्या होता है। तो वहां पे आपके एग्जाम में चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उन चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना होगा कि किस ऑप्शन में आपका CuFeS2 है। जिस ऑप्शन में CuFeS2 है वही आपका राइट आंसर है, क्योंकि कॉपर पाराइड का सूत्र जो होता है वो आपका CuFeS2 होता है, इस बात को याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, और ये वाला क्वेश्चन जो है कॉपर पाराइड का सूत्र, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड 2021, फिर आपका 2017 और 2010, आपके बिहार बोर्ड 2021 बाबू, 2017, 2010 ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है कॉपर पाराइड का सूत्र क्या है। चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उन चारों में से आपको ढूंढना है कि CuFeS2 किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में होगा उसी में टिक लगाएंगे, वही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है बाबू, ठीक है, गैलेना किसका अयस्क है, आप सबको मालूम होना चाहिए गैलेना किसका अयस्क है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड 2021 ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए गैलेना अयस्क जो है, गैलेना किसका अयस्क है, पीबी यानी लेड का अयस्क है, लेड का संकेत क्या होता है, पीबी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड 2021 में आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, गैलेना किसका अयस्क है, लेड का, जिसका संकेत क्या होता है, पीवी। अगला क्वेश्चन आपका है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम, ये भी क्वेश्चन जो है ना आपके बिहार बोर्ड 2021 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड 2021 ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए सोना, ठीक है, जिस ऑप्शन में सोना होगा उसी में हम लोग टिक लगाएंगे, और सोना का संकेत AU होता है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सोना, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया, सोना का संकेत AU होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड 2022-2012 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2022 और 2012 में ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, ये वाला क्वेश्चन जो है 2022-2012 आपके बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए इनका आंसर एल्युमिनियम होगा। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्युमिनियम है, जिनका संकेत Al होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा, यानी ऑप्शन में ढूंढेंगे कि किस ऑप्शन में एल्युमिनियम है, जिस ऑप्शन में एल्युमिनियम होगा उसी में हम लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है बाबू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका HNO3, ध्यान से सुनना HNO3 ये किसका सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक, ठीक है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, कौन सा विधि द्वारा इस अम्ल को तैयार किया जाता है, यानी नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड 2019, ठीक है, 2019 ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि HNO3 जिसका नाम नाइट्रिक अम्ल होता है उनको जो है किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा, जिस ऑप्शन में ऑस्टवाल्ड विधि होगा उसी में हम लोग टिक लगाएंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑस्टवाल्ड, ठीक है, ऑस्टवाल्ड विधि, ठीक है, इसी को आप लोग याद रखोगे ऑस्टवाल्ड विधि, यानी नाइट्रिक अम्ल को तैयार कौन सा विधि द्वारा किया जाता है, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। ये आपके बिहार बोर्ड 2019 ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी PCl5 का नाम क्या है, फास्फोरस 5 से पेंटा, सीएल से क्लोराइड, यानी PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी PCl5 एक है, क्या है,
तो आप सबको मालूम है ऑक्सीकारक है, चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उन चारों में से जिस ऑप्शन में ऑक्सीकारक होगा उसी में टिक लगाएंगे, क्योंकि PCl5 एक ऑक्सीकारक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, इसी को याद रखना बाबू, ऑक्सीकारक। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा कचरा है, इसीलिए थोड़ा जो है कचरा जैसा लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद 7 होता है ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है H2SO4। ठीक है, H2SO4 ये किसका सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। H2SO4 किसका सूत्र है बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। आप सबको मालूम है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक यानी क्वेश्चन आपका है H2SO4 है, पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन आपका है H2SO4 है, ये वाला क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2015। ठीक है, 2015 ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि H2SO4 है। तो H2SO4 क्या है, अम्ल है, तो जिस ऑप्शन में अम्ल देखेंगे, जिस ऑप्शन में एसिड देखेंगे उसी में टिक लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, इस चीज को याद रखना, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है NH3 में, यानी अमोनिया में, NH3 ये अमोनिया का सूत्र होता है। तो इस अमोनिया में इस N का, ठीक है, इस N का आपको बताना है संकरण है, NH3 में जो N है उनका संकरण है। तो आप लोग को निकालने आता है ना, ठीक है, निकाल करके दिखाते हैं हम लोग को यहाँ पे। NH3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, कैटो सिग्मा, 3 सिग्मा, कैटो लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर, कुल कितना है, 4 आएगा, तो हो जाएगा sp3। तो NH3 में एन का संकरण sp3 होता है, जिस ऑप्शन में आपका sp3 होगा उसी में आप लोग टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है NH3 में एन का संकरण क्या होता है, ऑप्शन 4 को दिया हुआ रहेगा, उन चारों में से आपको sp3 ढूंढना है कि किस ऑप्शन में sp3 है, जिस ऑप्शन में sp3 होगा उसी में हम लोग टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो गया, sp3। ठीक है, इस चीज को याद रखना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए आप लोग, उजला और पीला फास्फोरस, उजला और पीला फास्फोरस का नाम सुने हो, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड 2020 ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। ठीक है, ये नौ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये बिहार बोर्ड 2020 ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है। तो ये एक दूसरे उजला और पीला फास्फोरस क्या है बाबू, अपरूप है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है, अपरूप। तो जिस ऑप्शन में अपरूप होगा उसी में आप लोग टिक लगाएंगे, इस चीज को याद रखना, उजला और पीला फास्फोरस क्या है, अपरूप है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है, यानी आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2019 ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो आप सबको मालूम है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, कौन सा धातु के नाम से, क्षारीय धातु, इस चीज को आप लोग याद रखोगे बाबू। ठीक है, क्षारीय धातु, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है तो क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड 2019 ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। आज की वीडियो में जो है बाबू ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं बतलाए हैं, 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बतलाए हैं इनऑर्डिनेट का, और ये सारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन लगभग आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है ना पूरी ईमानदारी से कंप्लीट करना बाबू, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सब क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समस्या आने वाला है नहीं। ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप पूरी ईमानदारी से करोगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक है, और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और जो बाबू हमारे चैनल पे नए हो ना, उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज के वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं, धन्यवाद।